देखिए, वो अभी क्योंकि सारी चर्चाएं हमने केंद्रीय नेतृत्व से की हैं और देश के प्रधानमंत्री विदेश में गए हुए हैं, उनके आते ही जो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, मुझे लगता है आते ही पहला काम, क्योंकि चुनावी राज्यों को बुला करके ये किया जाएगा, तो उनके आने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, डेट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है कि 29-30 तारीख के आसपास तो कल देश के प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, आते ही हमें वो बुलाएंगे। देखिए, ये सारी बातें हमने केंद्रीय नेतृत्व से की हैं। अब किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व के पास है, संसदीय बोर्ड में जाकर के लिफाफा खुलेगा। देखिए, कोई गठबंधन हरियाणा प्रदेश में मेरी जानकारी में तो था नहीं, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और इसकी जिम्मेवारी क्योंकि केंद्रीय नेताओं की है। अकाली दल बादल के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात करी है, क्या नहीं करी, इस बात की जानकारी मुझको नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी सब लोगों की पार्टी है, सब वर्गों की पार्टी है, इसमें आम आदमी से लेकर के चुने हुए नुमाइंदे जो भारतीय जनता पार्टी के राजकाज को ठीक मानते हैं, पारदर्शी तरीके से राज करने को अच्छा मानते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 5 साल राज किया इसको अच्छा मानते हैं कि पहली बार एक पारदर्शी सरकार हरियाणा प्रदेश में चली, इसको देख करके अगर कोई पार्टी में आता है, चाहे सामान्य जन है, चाहे कोई चुनाव प्रतिनिधि है, ऐसे सब लोगों का स्वागत है। किसी तरह का किसी को कोई आसन वासन नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।